आपको मोटराइजर के बारे में कि आपको कौन सा लेना चाहिए, मोटराइजर के कितने प्रकार होते हैं और आपको कौन सा सही रहेगा, आपको कौन सा लेना चाहिए, उन सभी के बारे में बताऊँगा। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो मोटराइजर जिसे हम स्क्वायर बोल मशीन भी कहते हैं, जो ये मोटराइजर होता है, जैसे कि अगर आपको स्क्वायर बोल निकालना हो तो उसके लिए ये मोटराइजर मशीन साथी वो सबसे बेस्ट मानी जाती है। अगर आप बहुत क्वान्टिटी में अगर निकाल रहे हैं तो स्क्वायर तो इसके लिए बेस्ट है। तो अगर आप जो बुलेट फ्रेम्स हो, दो टूटी दरवाजे वगैरह है या बोर्ड वगैरह है उनके अंदर अगर आप स्क्वायर बोल निकालते हैं तो उसके लिए सबसे बेस्ट है मोटराइजर। मोटराइजर का फायदा ये है कि अगर आप देखेंगे तो फिक्स बोल निकालना चाहते हैं तो मोटराइजर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे बेसिकली जो मोटराइजर है वो दो प्रकार के आते हैं, जो हम अगर उसके हिसाब से अगर बात करें या हम अगर अपने यूज़ के हिसाब से बताएं तो मोटराइजर ज़्यादा से दो ही प्रकार के आते हैं, एक होता है मैनुअल मोटराइजर और आप कह सकते हैं ऑटोमेटिक। तो मैनुअल मोटराइजर फिर आपको ऑपरेट करना पड़ता है बाई हैंड, उसके अंदर एक लीवर आता है उसे आपको ऊपर और नीचे करना पड़ता है। तो ऑटोमेटिक या जिसे हम ऑटोमेटिक कहते हैं ज़्यादातर ऑटोमेटिक मोटराइजर आते हैं, उनमें आपको एक कंप्रेसर या फिर एक कंप्रेसर जैसे आपको उसे जोड़ना पड़ेगा और उसी के अंदर एक जो लीवर आता है ऑटोमेटिक लीवर, उसको जब भी आप प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको डाउन होता है। तो बेसिकली जैसे आपको मैंने बताया ये उसके वर्क के हिसाब से मैंने बताया है। और अगर हम बात करें मोटराइजर होते कितने प्रकार के हैं, तो मोटराइजर दो प्रकार के होते हैं, चेन मोटराइजर और विंड मोटराइजर। तो दोनों का काम स्क्वायर बोल निकालना ही है। तो जो चेन मोटराइजर है वो चेन के माध्यम से काम करता है, उसमें एक चेन लगी रहती है तो वो उसी मदद से बोल निकालता है। चेन मोटराइजर तो जो चेन होती है वो अलग अलग साइज की आती है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं चेन में वो एक गाइड बार से रोटेट करती है, जैसे कि आपने चेन को देखा होगा एक गाइड बार आता है उसके ऊपर चेन रोटेट करती है, वैसे ही सेम मैकेनिज्म इसमें है। जो ये चेन है वो जो गाइड बार पे रोटेट करती रहती है, और जो इसकी अगर जैसे कि अगर आपको 12 mm का होल निकालना है तो आपको जो ये गाइड बार और जो चेन है वो बदलनी पड़ेगी। ये दोनों एक तरीके जैसे कह सकते हो आपकी जो चेन है उसी के हिसाब से जो इसकी गाइड बार की जो लेंथ आती है ब्रेथ आती है वो मतलब बहुत सारे एस्पेक्ट्स आते हैं। और जैसे कि अगर आपको 15 mm का अगर होल निकालना हो तो आपको 15 mm का गाइड बार लेना पड़ेगा। जैसे कि आप होल निकाल सकते हैं 15 mm का भी, आपने अपने ऑब्जेक्ट को जिस वाइस या जिस तरीके से जहाँ पर पर्सन रखा है उसको आपको आगे या पीछे करना पड़ेगा, उसके उससे आप बोल निकाल सकते हैं। ओवरऑल जो चेन मोटराइजर है बहुत अच्छी है, जैसे कि मैंने बताया कि ये स्क्वायर बोल निकाल सकते हैं और बहुत ही फाइन क्वालिटी का ये बोल निकालते हैं और फास्ट बोल निकालते हैं। और अब हम बात करते हैं विंड मोटराइजर, तो ये दोनों हिसाब आप देखते हैं आगे वीडियो में ये बताऊँगा कि आपको कौन सा लेना चाहिए और कौन सा कोर्स है। तो अगर हम बात करें फिट मोटराइजर की, तो फिट मोटराइजर के अंदर जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि एक तरीके का फिट होता है जो लगा रहता है। ये फिट क्या होता है कि अलग अलग साइज आती है, और जैसे ये जो पर्टिकुलर साइज है इसके अंदर दो पार्ट आते हैं, एक तो इसके अंदर फिट आता है जो जो आउटर साइड है जिसके अंदर बोल्ट पड़ता है या आपका सर्किट मिलता है, वो जो बीच का साइड है वो अंदर एक सुराग या आपका सर्किट बोल करते हैं किसी भी लकड़ी की या ब्लॉक में। उसके बाद में जो ये बाहर वाला पार्ट है वो अंदर बोल निकाल देता है। बाकी का मतलब ये मोटराइजर की बहुत अच्छी आती है। जैसे कि मैंने बताया कि अगर हम बात करते हैं कोस्टिंग की, तो जो चेन मोटराइजर आते हैं वो महंगे आते हैं। अगर आप मैनुअल कंपेयर करोगे ऑटोमेटिक की बात करें या बात मैनुअल आप की बात करोगे तो मोटराइजर सस्ते आते हैं, चेन मोटराइजर ज़्यादा आता है। जैसे मोस्टली चेन मोटराइजर आता है
1800 2000 रुपये तक मिलेगा। ओवरऑल मतलब दोनों ही मशीन बेस्ट हैं। अब मैं बताता हूँ आपको कौन सी लेनी चाहिए। अगर आप जैसे कि आपने वुडन फ्रेम्स वगैरह में देखा होगा या जो आप विंडोज़ वगैरह बनाते हैं उनमें आपको क्या करना पड़ता है, आधा जो जो वुड की लेंथ है या जो वुड की जो ब्रेथ है उसका आधा होल निकालना पड़ता है, या आप कह सकते हो जैसे उसमें जो वुड के अंदर आधा होल निकालना पड़ता है वो भी स्क्वायर। तो उस टाइम पे आपको जो इस्तेमाल करना चाहिए वो है बिट मोटराइज़र। और जैसे कि मैं चैन मोटराइज़र को इसलिए नहीं रिकमेंड कर रहा क्योंकि अगर जब भी आप चैन मोटराइज़र इस्तेमाल करोगे तो जो अगर आप वुड के अंदर आधा होल निकालते हैं तो, या आप कह सकते हैं जैसे कि उसके अंदर जैसे एक साइड सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक आर पार होल नहीं निकालते हो तो जो अंदर का जो कुछ पार्ट है वो थोड़ा राउंड रहता है, क्योंकि जैसे कि आप गाइड बार को देख पा रहे हैं इसका जो नीचे का फेस है वो थोड़ा राउंड है, तो मतलब कुछ ना कुछ राउंड पार्ट अंदर होल के अंदर बिल्कुल रहेगा। और अगर आप जैसे कि एकदम आर पार या एकदम राउंड एक सिरे से दूसरे सिरे तक होल निकालते हैं आर पार, तो मतलब आप इसका जो तो मतलब आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल मतलब दोनों मशीन्स ही बहुत अच्छी है। अगर आपको ऐसी कुछ होल में दिक्कत नहीं है तो आप तो जो बिट मोटराइज़र भी खरीद सकते हैं, तो बिट मोटराइज़र की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है होल निकालने की। अगर हम बात करते हैं उनकी कॉस्टिंग की कि आपको कौन सा ख़रीदना चाहिए और कौन सा लेना चाहिए, तो जो बिट मोटराइज़र आते हैं उनको आप जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वैसी एक अटैचमेंट लगा के आप अपनी जो हैंड प्रेस ड्रिल है उसमें भी आप लगा सकते हैं और आपका काम बहुत ही आसानी से हो जाएगा। और अगर मैं बात करता हूँ अगर आप एक नया मोटराइज़र ख़रीदते हैं तो अभी जो कुछ कंपनीज़ ने, तो अगर मैं बात करूँ इस मशीन की जो कि आती है जय टूल्स की तरफ से, तो जय के टूल्स बहुत ही अच्छी क्वालिटी के आते हैं। मैंने खुद ने भी बहुत इनकी मशीन यूज़ की हैं। ये जो कंपनी है वो गुजरात बेस्ड कंपनी है। इनके टूल्स बहुत ही फाइन क्वालिटी के होते हैं और ये बहुत सारी जो टूल्स मैन्युफैक्चर करते हैं और जो मशीनरीज भी ये जो कंपनी है वो बहुत सारी मशीनरीज मैन्युफैक्चर करती है। आप इनकी मशीनरीज चेक आउट कर सकते हैं, आप अपने कांटेक्ट कर सकते हैं नियर बाय डीलर और आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी चेक कर सकते हैं। मैंने इनके डिस्क्रिप्शन में कुछ डिटेल्स दी है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ये जो कंपनी है वो गुजरात बेस्ड कंपनी है। इनके टूल्स बहुत ही फाइन क्वालिटी के होते हैं। तो अभी भी कुछ कंपनीज ने हाइब्रिड वेरिएशन भी निकाला है जिससे कि आप जो चैन मोटराइज़र और जो बिट मोटराइज़र है उन दोनों का काम एक ही मशीन से कर सकते हैं। ओवरऑल आप अपने बजट के हिसाब से देख सकते हैं, तो जो चैन मोटराइज़र आते हैं वो कॉस्टली आते हैं एज़ कम्पेयर टू जो बिट मोटराइज़र से। और ओवरऑल मतलब दोनों की क्वालिटी और जो होल की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। मैंने खुद ने यूज़ किया है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया मेरे पास अभी ब्लेड्स पड़ी है अभी भी। और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल टूल्स एक्सपर्ट्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। धन्यवाद उन सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए।